दोस्तों किसी भी फिल्म के सिल्वर स्क्रीन पर उतरने के बाद उसके हिट और फ्लॉप होने में उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक अहम भूमिका निभाता है। चाहे वो फिल्म कितने भी बड़े बजट के साथ ही क्यों ना बनी हो, अगर उस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उसकी लागत से दोगुना होता है तो उस मूवी के नाम ब्लॉकबस्टर मूवी का खिताब शामिल हो जाता है। पर अगर वो मूवी अपने लागत से एक नहीं बल्कि कई गुना ज्यादा पैसे कमाए तो उस मूवी के नाम हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी का खिताब शामिल हो जाता है। वैसे ही दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज के बारे में बताऊंगा जिन मूवीज के नाम वर्ल्ड वाइड हाईएस्ट अर्निंग मूवीज का खिताब शामिल है। दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 10 पोजीशन पर जो मूवी है वो है फ्रोजन 2। यह मूवी आई थी साल 2019 में। यह एक एडवेंचर एनिमेशन कॉमेडी मूवी है जो साल 2013 में आई मूवी फ्रोजन का सिक्वेल है। इस मूवी का बजट था 150 मिलियन US डॉलर और इस मूवी ने टोटल बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था 1.450 बिलियन US डॉलर का। इंडियन करेंसी में बात करें तो इस मूवी का बजट था 1050 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कमाए थे 10,150 करोड़ रुपए। यह मूवी वॉल्ट डिज्नी द्वारा प्रोड्यूस की गई 98वीं एनिमेशन मूवी थी। इस मूवी को रेटिंग मिले हैं 6.9 out of 10 IMDb पर। इस लिस्ट में नंबर 9 पर है दोस्तों फ्यूरियस 7। यह मूवी आई थी साल 2015 में। यह एक एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी का बजट था 119 मिलियन US डॉलर और इस मूवी ने टोटल बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था 1.516 बिलियन US डॉलर का। इंडियन करेंसी में बात करें तो इस मूवी का बजट था 1,330 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कमाए थे 10,620 करोड़ रुपए। दोस्तों वैसे तो फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की हर एक मूवी सुपर हिट रही है, पर जो मूवी फ्यूरियस 7 मूवी को खास बनाती है वो ये है कि इस मूवी के पहले इस मूवी सीरीज के एक अहम कैरेक्टर पॉल वॉकर की अनफॉर्चुनेटली एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से इस फिल्म का क्रेज लोगों के अंदर पॉल वॉकर को लेकर काफी बढ़ गया था और भारी तादाद में पॉल वॉकर के फैंस इस फिल्म को देखने गए थे। इस मूवी को रेटिंग मिले हैं 7.1 out of 10 IMDb पर। दोस्तों इस लिस्ट में 8वीं मूवी है मार्वल द अवेंजर्स। यह मूवी आई थी साल 2012 में। यह एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी का बजट था 220 मिलियन US डॉलर और इस मूवी ने टोटल बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था 1.519 बिलियन US डॉलर। इंडियन करेंसी में बात करें तो इस मूवी का बजट था 1,540 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कमाए थे 10,633 करोड़ रुपए। दोस्तों यह मार्वल की पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें सारे अवेंजर्स एक साथ आकर लोकी के फौज का सामना करते हैं। यह मूवी सुपर हीरो फिल्म की दुनिया में एक अलग ही लेवल की फिल्म साबित हुई थी। इसी के साथ यह मार्वल की पहली ऐसी फिल्म बनी जिसने 1 बिलियन का आंकड़ा क्रॉस किया। इस मूवी को रेटिंग मिले हैं 8.0 out of 10 IMDb पर। इस लिस्ट में नंबर 7 मूवी है द लायन किंग। यह मूवी आई थी साल 2019 में। यह एक एनिमेशन एडवेंचर ड्रामा मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था जॉन फेवरो ने। इस मूवी को खास तौर पर बच्चों के लिए बनाया गया था। इस मूवी का बजट था 216 मिलियन US डॉलर और इस मूवी ने टोटल बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था 1.657 बिलियन US डॉलर का। इंडियन करेंसी में बात करें तो इस मूवी का बजट था 1,820 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कमाए थे 11,600 करोड़ रुपए। इस मूवी को रेटिंग मिले हैं 6.9 out of 10 IMDb पर। दोस्तों इस लिस्ट में 6वीं मूवी है जुरासिक वर्ल्ड। यह मूवी आई थी साल 2015 में। यह एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी का बजट था 115 मिलियन US डॉलर और इस मूवी ने टोटल बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था 1.670 बिलियन US डॉलर। इंडियन करेंसी में बात करें तो इस मूवी का बजट था 1,050 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कमाए थे 11,690 करोड़ रुपए। दोस्तों इस फिल्म में हमारे इंडियन एक्टर इरफान खान भी होते हैं जो एक जुरासिक पार्क को मैनेज करते हैं। जुरासिक पार्क हॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजीज में से एक है और इसके फैंस दुनिया के हर एक कोने में है। इस मूवी को रेटिंग मिले हैं 7.0 out of 10 IMDb पर। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 5 पर है अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। यह मूवी आई थी साल 2018 में। यह एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी का बजट था 316 मिलियन से 400 मिलियन US डॉलर और इस मूवी ने टोटल बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था 2.048 बिलियन US डॉलर। इंडियन करेंसी में बात करें तो इस मूवी का बजट था 2200 से 2800 करोड़ रुपए
है और इस मूवी ने कमाए थे 14,350 करोड़ रुपए। इस मूवी में हमें देखने को मिलता है कि कैसे अवेंजर्स थैनोस से पूरी दुनिया को बचाने के लिए लड़ते हैं, पर लास्ट में जो होता है वो सभी के होश उड़ा देता है। इस मूवी को रेटिंग मिले हैं 8.4 out of 10 IMDb पर। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 4 पर है स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकन्स। यह मूवी आई थी साल 2015 में। यह एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी का बजट था $306 million और इस मूवी ने टोटल बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था $2.068 billion। इंडियन करेंसी में बात करें तो इस मूवी का बजट था 2,142 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कमाए थे 14,475 करोड़ रुपए। दोस्तों स्टार वार मूवी सीरीज स्पेस पर बेस्ट है जो 19 के दशक से चली आ रही है और ये फिल्म फ्रेंचाइजी भी हॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल फिल्म फ्रेंचाइजीज में से एक है। अगर आप एक अलग लेवल की फिल्म देखना पसंद करते हैं तो आपको स्टार वार फिल्म सीरीज एक बार जरूर देखनी चाहिए। स्टार वार द फोर्स अवेकन मूवी को रेटिंग मिले हैं 8.4 out of 10 IMDb पर। दोस्तों इस लिस्ट में तीसरी मूवी है टाइटेनिक। जी हाँ दोस्तों, 1997 में आई टाइटेनिक फिल्म, जिसे डायरेक्ट किया था जेम्स कैमरून ने। यह फिल्म साल 2009 से पहले तक इस लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर थी और यह खिताब इस मूवी के नाम पूरे 13 साल तक रहा था। यह फिल्म बेस्ड है 1912 में डूबी टाइटेनिक के ऊपर, जिस फिल्म में हमें जैक और रोज की एक लव स्टोरी भी देखने को मिलती है। इस फिल्म का बजट था $200 million और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कलेक्शन किया था $2.195 billion। इंडियन करेंसी में बात करें तो इस मूवी का बजट था 1400 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कमाए थे 15,365 करोड़ रुपए। इस मूवी को रेटिंग मिले हैं 7.8 out of 10 IMDb पर। इस लिस्ट में नंबर 2 पर है अवेंजर्स एंड गेम। दोस्तों इसकी पिछली फिल्म ने काफी ज्यादा सस्पेंस लोगों के अंदर बनाकर रख दिया था, जिसके कारण ये मूवी पूरी दुनिया भर में सबसे ज्यादा सस्पेंस से भरी मूवी बन गई। और जब अवेंजर्स एंड गेम मूवी सिल्वर स्क्रीन पर आई तो यह मूवी सिर्फ 3 दिन में $1.3 billion कमाने वाली पहली मूवी बन गई। अवेंजर्स एंड गेम मूवी का बजट था $356 million और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कलेक्शन किया था $2.798 billion। इंडियन करेंसी में बात करें तो इस मूवी का बजट था 2500 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कमाए थे 19,585 करोड़ रुपए। इस मूवी को रेटिंग मिले हैं 8.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। पर दोस्तों यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अवेंजर्स एंड गेम मूवी अपनी पहली रिलीज में अवतार मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बीट नहीं कर पाई थी। इस मूवी को अवतार के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बीट करने के लिए 2 बार रिलीज होना पड़ा था, पर जेम्स कैमरून ने अवतार मूवी को 2021 में फिर से एक बार रिलीज करके ये साबित कर दिया कि अवतार मूवी आज भी दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। अवतार मूवी आई थी साल 2009 में, जिस समय पर इसने वर्ल्ड वाइड $2.79 billion की कमाई की थी, पर अपने दोबारा रिलीज होने के बाद इसने $68 million छाप डाले, जिससे इस मूवी का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $2.79 billion से बढ़कर $2.847 billion हो गया। इसी के साथ ये मूवी आज दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी की लिस्ट में टॉप पर आ गई है। अवतार फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था टाइटेनिक फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जेम्स कैमरून ने। यह फिल्म एक वर्ल्ड वाइड सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी और वाकई में दोस्तों यह फिल्म एक अलग ही लेवल की फिल्म है। इस मूवी में मनुष्य पेंडोरा नाम के उपग्रह पर एक अनोप्टेनियम नामक पदार्थ की माइंस करते हैं और उसे धरती पर लाकर बेचते हैं, जिससे वहां पर रहने वाले एलियंस का रहना मुश्किल हो जाता है और बाद में वो सभी मनुष्य जाति के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं। इस फिल्म का बजट था $246 million और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कलेक्शन किया है $2.847 billion। इंडियन करेंसी में बात करें तो इस मूवी का बजट था 1725 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कमाए थे 19,950 करोड़ रुपए। इस मूवी को रेटिंग मिले हैं 7.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो दोस्तों ये रही दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा।